हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप सबको जो है हैप्पी न्यू ईयर 2019, क्योंकि आज जो है इस साल का एंड होने वाला है 2018 का, तो यहाँ पर कल से जो स्टार्ट होगा 2019। तो आप सबको जो है हैप्पी न्यू ईयर 2019 एंड आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा जाए 2019 में। और मैं बात करता हूँ आज की वीडियो के बारे में, तो आज का वीडियो का टॉपिक है सैमसंग की कुछ डिवाइस के बारे में बताऊँगा कि उसके जो है कुछ अपडेट्स आया है और यहाँ पर वन यूआई के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते मैं जो है वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। अभी तक जिन वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया दोस्तों को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का ऑप्शन को दबा देना, इससे कि जो मैं वीडियो चलूँगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो फिर बात करते हैं सैमसंग की उन डिवाइस के बारे में जिनको नया अपडेट्स मिला है। तो फिर ज़्यादा डिवाइस नहीं है, सिर्फ एक डिवाइस है और वन यूआई के बारे में कुछ बताने वाला हूं मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो यहां पर जो है सबसे पहले जो बात करता हूं सैमसंग की A9 प्रो के बारे में। तो हाँ गाइस, A9 प्रो को एक नया अपडेट मिला है और इस अपडेट में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कराए हैं सैमसंग ने। तो इस अपडेट का फाइल साइज तकरीबन 119 मेगाबाइट के आसपास, शायद ये 190 होगा, तो यहाँ पर 190 मेगाबाइट के आसपास जो है इसका फाइल साइज था। और इसमें जो सैमसंग कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स करा है, जैसे कि इसका मैसेज जो है इंप्रूवमेंट्स करा है, इसका परफॉर्मेंस भी जो है सैमसंग ने इंप्रूवमेंट्स करा है। और यहाँ पर जो है इसमें सैमसंग की जो बैटरी था A9 प्रो में, तो उस बैटरी में कुछ इशू था, तो उस बैटरी को जो है सैमसंग ने फिक्स किया है। तो बहुत अच्छी एक अपडेट है सैमसंग की A9 प्रो की यूज़र्स के लिए। तो यहाँ पर जो लोग अभी तक नहीं जानते थे तो अब लोग जान गए होंगे और अब अपडेट कर लेना, क्योंकि अपने डिवाइस का हर वक्त अपडेट रखना चाहिए, इसलिए बोलता हूँ। और इस अपडेट में बहुत सारा जो है सैमसंग ने इंप्रूवमेंट्स करा है और अपने डिवाइस के लिए अच्छा भी है ये, तो अपडेट कर लेना जल्दी से। और अपडेट करने के बाद बताना मुझे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा हो, तो क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बना करके जो है आप लोगों को बता दूंगा कि जो लोग नहीं जानते उनको। तो यहाँ पर बात करूँ तो सैमसंग की वन यूआई के बारे में, तो आप लोग जानते ही हैं सैमसंग शायद एक या डेढ़ महीने पहले वन यूआई को अनाउंस किया था। उसके बाद सैमसंग की जो S9 S10 Plus, इसको जो शायद बेटा वर्जन भी मिल गया होगा। और यहाँ पर जो है सैमसंग की वन यूआई जो है इसमें कुछ बहुत सारे फीचर्स तो है ही, लेकिन अब जो है सैमसंग दो या तीन फीचर जो है ऐड करा है इसका डार्क मोड के लिए। तो यहाँ पर डार्क मोड सैमसंग की इसमें तीन डार्क मोड मिलेगा आपको। यहाँ पर तीन डार्क मोड में से आपको सिर्फ जो है नॉर्मल वाला जो है मिलेगा, और यहाँ पर आपको ब्लैक एंड येलो की कॉम्बिनेशन में एक डार्क मोड मिलेगा, और जो है एक मिलेगा पर्पल एंड ब्लैक मोड की, ब्लैक कलर की जो है कॉम्बिनेशन से आपको डार्क मोड मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको तीन डार्क मोड मिल रहा है, ये सैमसंग की जो ऑफिशियल न्यूज़ है और सैमसंग ने खुद बताया कि इसको जो है तीन डार्क मोड मिलने वाला है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज़ है, और फ्यूचर में देखते हैं कि कौन सी डिवाइस को जो अपडेट देता है सैमसंग की वन यूआई का। तो उसके रिगार्डिंग कोई नहीं होता है तो आप लोगों को डेफिनेटली चैनल पर बता दूंगा। तो यहाँ पर आज का वीडियो बस यही एंड करता हूँ। तो आप लोगों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर 2019 एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ना इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि अभी तक जिस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, और जिन्होंने नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और घंटे का ऑप्शन को दबा देना। तो मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हैप्पी स्टे कूल।